हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ट्वींस प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स को पूरी तरह से रोकने का कोई भी तरीका नहीं होता है, जिसका रीजन है कि आपके यूट्रस में दो दो बच्चे होने की वजह से जो आपका यूट्रस का साइज होता है वो दुगना खिंचता है, और इसके साथ ही जो आपके पेट की स्किन होती है वो भी बहुत ज्यादा खिंचती है, जिस वजह से खाल जो है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी फटना स्टार्ट कर देती है, और उसी को ही स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि आपके स्ट्रेच मार्क्स रातों रात गायब किए जा सके। आप जितनी ज्यादा पतली होंगी आपके स्ट्रेच मार्क्स उतने ही ज्यादा होंगे। ट्वींस प्रेगनेंसी में सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी दिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो टाइम के साथ अपने आप ही फीके पड़ जाते हैं। लेकिन आप ट्वींस प्रेगनेंसी में कुछ सावधानियां बरतकर स्ट्रेच मार्क्स को बहुत ज्यादा पड़ने से जरूर रोक सकती हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आपको शुरुआत से ही जहां पर स्ट्रेच मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं वहां पर बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना शुरू कर दें, ताकि आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो अच्छे से बनी रहे। जैसे कि पेट, ब्रेस्ट एंड लोअर बैक और जांग, ये कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा फैट जमा होता है और जिस वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स भी होते हैं। और आपको बहुत ही जल्दी जल्दी एंड बार बार मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। एंड दूसरा तरीका है कि आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है यानी कि लचीलापन होता है वो बना रहे, इसके लिए आपको अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है, जिसके लिए आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी पीना है, ताकि जो स्किन की जो नमी होती है वो भी खत्म ना होने पाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगती है और अगर आप पानी नहीं पीती हैं तो इस वजह से और ज्यादा ड्राई हो जाती है और स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही ज्यादा पड़ते हैं। और आपको पानी के साथ साथ लिक्विड चीजों का भी बहुत अच्छी मात्रा में सेवन करना है। एंड तीसरा तरीका है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी डाइट का सेवन करना है, एंड डॉक्टर्स द्वारा जो भी आपको विटामिन एंड सप्लीमेंट दिए जाते हैं वो भी आपको रेगुलर लेने हैं, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन एंड पोषक तत्वों की बिल्कुल भी कमी ना हो। और आपको विटामिन सी एंड डी और ई का भी सेवन बहुत ही अच्छी मात्रा में करना है, और आपको ऐसी चीजों का भी सेवन करना है जिसमें जिंक की मात्रा बहुत ही ज्यादा अधिक हो। ये चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं स्ट्रेच मार्क्स को रोकने में। एंड जो चौथा तरीका है वो है कि आपको अपना ओवरवेट गेन नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आपको जितना भी वेट गेन करना है आप कोशिश करें हेल्दी चीजों से ही गेन करें। और पांचवा तरीका है कि आप ट्वींस प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी एक्सरसाइज तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन आपको रेगुलर वॉक जरूर करनी है सुबह एंड शाम। ये कुछ तरीके हैं जिनको आप जरूर ट्राई करें, और अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।